तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एके ऑनलाइन पॉइंट। बिहार कृषि विभाग भर्ती के बारे में हम बात करेंगे, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मंत्री परिषद वाला जारी किया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, मंत्री परिषद बैठक के दौरान ये निर्णय लिए गए हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर और MTS के पदों पर वैकेंसी निकल कर आने वाली है बिहार कृषि विभाग में, तो उस नोटिफिकेशन पर मैं ले चलता हूँ और आपको सारी डिटेल शेयर करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आ चुका हूँ। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो फ्रेंड्स, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको लेटेस्ट न्यूज़, नोटिफिकेशन, जॉब वैकेंसीज, जो एजुकेशन न्यूज़पेपर वगैरह होता है, करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करता रहता हूँ। 3000 कैंडिडेट जुड़े हुए हैं फ्रेंड्स। जी हाँ, आप भी ज्वाइन हो जाएँ और जल्द से जल्द इसको 3000 कर दें, ठीक है। 2999 3000 हो चुके थे, बट आप अभी ज्वाइन हो जाएं और एके ऑनलाइन पॉइंट के मेंबर बने डेली जॉब्स अपडेट पाने के लिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, मैंने ये नोटिफिकेशन पहले ही शेयर कर दिया था, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं नोटिफिकेशन जब वीडियो बनाने का टाइम नहीं रहता तो मैं पहले ही शेयर कर देता हूँ। आप यहाँ पर सिंपली इस नोटिफिकेशन को ओपन करोगे, ये देख पा रहे हैं, पटना में दिनांक 17 अगस्त 2021 मंगलवार को अपराह्न 5 बजे हुई मंत्रिपरिषद की बैठक की कार्रवाई, मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की, ठीक है। तो ये मंत्रिपरिषद की जो बैठक होती है उसके द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और टोटल यहाँ पर हम आपको बता दें कि 17 पॉइंट पर बात की गई है, ठीक है। आप लोग देखिएगा, तो मैं यहाँ पर केवल कृषि विभाग वैकेंसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जो कि आपको ये पॉइंट देखने को मिलेगा 12 नंबर पर। जी हाँ फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं, दिया गया है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय के अधीन कृषि अनुसंधान संस्थान मीठा पूर्व पटना परिसर में एक नए कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति, तथा इस महाविद्यालय के शैक्षणिक 42 तथा गैर शैक्षणिक 9 पदों की कुल 51 पदों का राज्य स्कीम से सृजन की स्वीकृति, एवं वित्तीय वर्षों में 2021-22 में महाविद्यालय कार्यों के सुचारू संपादन हेतु बिहार कृषि विद्यालय सबौर को 3 करोड़ रुपये का सहायक अनुदान किए थे। यहाँ पर टोटल 51 पदों की स्वीकृति मिली हुई है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख पा रहे हो, एक महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी और उसमें ये रिक्रूटमेंट निकाली जाएगी। अब आगे देख पा रहे हो 13 नंबर के पॉइंट पर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विद्यालय पूसा के अधीन पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय मोतिहारी में स्नातक स्तर पर निम्नांकित बिहार के निवासी छात्रों को इस विश्वविद्यालय के अधीन कृषि अभियंत्रण एवं मत्स्यिकी महाविद्यालयों के स्नातक छात्रों के समान यहाँ पर देख पाए हैं स्टाइपेंड प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दिया गया है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय के अधीन सबौर भागलपुर में एक नए कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति, तथा इस महाविद्यालय के लिए शैक्षणिक 24 तथा गैर शैक्षणिक 15 यानी कि कुल इस तरह से 39 पदों का राज्य स्कीम से सृजन की स्वीकृति, एवं वित्तीय वर्ष में 2021-22 में महाविद्यालय कार्यों के सुचारू संपादन हेतु बिहार कृषि विश्वविद्यालय सुबोर को 3 करोड़ रुपये का सहायक अनुदान यहाँ पर स्वीकृति दी गई है। इस तरह से आप आगे देख पा रहे हो टोटल पर, भोजपुर में एक नए कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति, तथा इस विद्यालय के लिए शैक्षणिक 36 तथा गैर शैक्षणिक 19 पदों को यानी कुल 55 पदों के राज्य स्कीम से सृजन की स्वीकृति, एवं वर्तमान वित्तीय वर्षों में महाविद्यालय कार्यों के सुचारू संपादन हेतु बिहार कृषि विश्वविद्यालय सुबोर को 5 करोड़ रुपये का सहायक अनुदान की स्वीकृति दी गई है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं स्वीकृति मिली है। आप 12, 13, 14 नंबर का पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पर कृषि विभाग से जुड़ी वैकेंसीज के बारे में बताया गया है, जो कि ये वैकेंसी बहुत ही जल्द निकल कर आ जाएगी, ठीक है। अभी इसका क्या कि स्वीकृति मिली है और इसका विज्ञापन जैसे ही जारी होगा हम आपको वीडियो के माध्यम से सूचित करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जी हाँ फ्रेंड्स, और आप अपने डिस्ट्रिक्ट में पता करते रहिएगा, जी हाँ फ्रेंड्स, और ये वैकेंसी बहुत ही जल्द जारी की जाएगी।